अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जिस जिसने नहीं किया है, थैंक यू। हाफ के जी चिकन ली है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, देखिए अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं यहाँ पे चिकन ऐड करूँगी। चलाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमने कढ़ाई बनानी थी, इसलिए हमने यहाँ पे स्पेस चिकन के पीसेस को बना रखा है। बड़े भी अच्छा लगते हैं। हमने यहाँ पे वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करी है। वन टेबल स्पून और मैंने टू टेबल स्पून भी करी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पे इसको अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भूनूंगी 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसके अंदर की स्मेल निकल जाए। देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था, प्याज का मैं वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है दही 1 कप के करीब है। इसमें मैं भुना हुआ और भुना हुआ साबुत धनिया 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून के करीब जो है वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ, यानी सफ़ेद दखनी मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून पिसा ज़ीरा ऐड करूँगी और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तमाम ही इंग्रेडिएंट्स को मैंने दही में ऐड कर लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए यहाँ पे मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मैं चिकन को भून रही थी, ये भी अच्छे से इसमें टेंडर हो रही है और ये अच्छे से इसके तमाम ही इंग्रेडिएंट्स डिजॉल्व हो गए। अब मैं यहाँ पे दही ऐड करूँगी। देखिए इसे कितना प्यारा सा कलर आया है। अब मैं यहाँ पे इसको कवर कर रही हूँ 5 से 7 मिनट्स के लिए। देखिए यहाँ पे जो है हमारी चिकन टिक्के अच्छे से टेंडर हो गई, आप देख सकते हैं बिल्कुल टूट गई है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये यहाँ पे टर्न है। अब मैं इस स्टेज पे ग्रीन चिलीज ऐड करूंगी। मैं लास्ट में यहाँ पे पिसा गरम मसाला ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला। इसकी स्मेल आ रही है, आप इसकी खुशबू का अंदाजा लगाएं। ये बिल्कुल चंद मसालों से रेडी हुई है और ये इतनी टेस्टी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। नीचे यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई रेडी है।
होप यू लाइक इट। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें जिसने नहीं किया है।